साथियों, ये छत्रपति वीर शिवाजी महाराज, भक्त प्रहलाद, ज्योतिबा फुले, बाबा साहब आंबेडकर, ऐसे मनीषियों की धरती है, वीरों की धरती है। महाराष्ट्र ने देश को दिशा देने वाला नेतृत्व दिया है और ये काम अभी से नहीं बल्कि सदियों से ये हमारा महाराष्ट्र निरंतर करता आ रहा है। राष्ट्रवाद और राष्ट्रभक्ति को लेकर यहां से हर बार आवाज बुलंद हुई है, लेकिन दुर्भाग्य की ये बात है कि कांग्रेस और एनसीपी के नेता महाराष्ट्र के इन्हीं संस्कारों को हर मौके पर, हर मंच पर, हर कदम पर ठेस पहुंचाने में लगे रहते हैं। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र के मेरे प्यारे भाइयों बहनों ने इनको स्पष्ट संदेश दिया है, लेकिन ये आपकी भावनाओं को समझने के लिए भी तैयार नहीं है। ये समझ ही नहीं रहे हैं कि अब भारत में नामदारों की मनमानी से नहीं, कामदारों की इच्छा शक्ति से काम होगा। ये समझ ही नहीं रहे कि अब भारत में लटकाने भटकाने वाली कार्य संस्कृति नहीं, तय समय पर विकास के काम पूरे करने वाली संस्कृति आज लोगों को मंजूर है, लोग इसी को मानते हैं। साथियों, ये देश की भावनाएं नहीं समझ रहे, लेकिन देश इन्हें भी देख रहा है और समझ भी रहा है और मौका आते ही हिसाब भी साफ कर देता है। हम सभी इनसे बार बार निवेदन कर रहे हैं कि कम से कम राष्ट्रहित और राष्ट्र रक्षा के मुद्दों पर हम सभी देशवासियों का, सभी राजनीतिक दलों का, सभी नेताओं का एक ही सुर होना चाहिए, दुनिया को एक ही आवाज सुनाई देनी चाहिए, एक ही स्वर सुनाई देना चाहिए। लेकिन हर बात में राजनीति की रोटियां सेकने की आदत वाले ये नेता देश हित की, राष्ट्र हित की इतनी सीधी सरल बात को भी मानने को तैयार नहीं है। और इसी दौरान मैंने सुना, अखबार में पढ़ने को भी मिला कि कांग्रेस पार्टी में अब नई ट्रेनिंग शुरू हो रही है। कहते हैं कि अब कांग्रेस के संगठन में राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाया जाएगा। अभी रोना के हंसना को समझ ही नहीं आ रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि कांग्रेस पार्टी ने स्वीकार कर लिया है कि आज की कांग्रेस
आजादी के दीवानों वाली, देशभक्तों वाली कांग्रेस नहीं है। परिवारवाद के बोझ के नीचे कांग्रेस का राष्ट्रवाद दब चुका है। परिवार भक्ति में ही कांग्रेस को राष्ट्रभक्ति नजर आती है और यही वजह है कि कांग्रेस आज लड़खड़ा रही है, अंतिम सांस ले रही है। इसी तरह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में सिर्फ दुनिया भर में जितने करप्शन के प्रकार हैं, सारे करप्शन के ही संस्कार आज वहां बचे हैं। राष्ट्रवाद की भावना कम होती जा रही है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये लोगों को याद कीजिए, आप सर्जिकल स्ट्राइक के समय इन लोगों ने क्या बातें कही थी, कौन सी भाषा बोली थी, क्या कोई, मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं, आप जवाब देंगे, सब लोग जवाब देंगे, क्या कभी कोई देशभक्त सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध करेगा क्या, करेगा क्या, कर सकता है क्या, वीरों का अपमान कर सकता है क्या, हमारी सेना का अपमान कर सकता है क्या? इन्होंने किया, बेशर्मी के साथ किया। उसके बाद बालाकोट में एयर स्ट्राइक हुई, जब बालाकोट में एयर स्ट्राइक हुई फिर इन्होंने वही गीत गाना शुरू किया, वही राग अलापना शुरू किया और इनकी आदत जाती नहीं है। और अब जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाने पर भी इनका रवैया राज की भावना के बिल्कुल विपरीत है। मैं ये एनसीपी और कांग्रेस वालों को कहना चाहता हूं कि ये 370 पर अगर इतना प्रेम है आपको, तो उसे जहां दफनाया गया है वहां जाकर के चादर उड़ा के आ जाओ। जमीन पर इन दोनों दलों के जो कार्यकर्ता हैं, विशेष तौर पर जो युवा साथी हैं, वो भी अपने नेताओं की बात न मानते हुए कहते हैं कि 370 और जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर देश की भावनाओं के साथ खड़ा होना चाहिए, मोदी के साथ खड़ा होना चाहिए, तो ऐसे लोगों के मुंह पे ताले लगा दिए जाते हैं। लेकिन भाइयों बहनों, ये सब इसलिए हो रहा है कुछ नेताओं के अहंकार के कारण, उनका अहंकार सातवें आसमान पर होने के कारण न उनको देश दिखता है, न देश का भला दिखता है, न जनता दिखती है, न जनता की भावनाएं दिखती है, और इसलिए ये उल्टी बातें बोलते रहते हैं, उल्टी भाषा बोलते रहते हैं। भाइयों,